हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि जीडीएस के अंदर जो वैकेंसी निकली उसमें आपको फॉर्म कैसे सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली फॉर्म फिलअप करना है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए ताकि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो। तो गाइस, चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हो तो आप मोबाइल में गूगल क्रोम में जाए और राइट साइड पर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और नीचे डेस्कटॉप साइड पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में आपके मोबाइल पर भी पूरी स्क्रीन कंप्यूटर जैसे यानी डेस्कटॉप की तरह, उसके बाद में गाइस आपके मोबाइल की स्क्रीन भी कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरह हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए गाइस, जैसे इंटरफेस आ गया, अब आपको सिंपली लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हम जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसमें आपको 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको जो सामने लिखा है वैलिडेट मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपको अपना ईमेल डालना और ईमेल के आगे भी आप जैसे वैलिडेट ईमेल करोगे तो आपको सेम प्रोसेसिंग एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपको 10th क्लास का मार्कशीट में आपका जो भी नाम है वो सेम नाम यहाँ पर एंटर करना है। 4th नंबर पर गाइस आपको अपने फादर नेम एंटर करना है। 5th नंबर पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। 6th नंबर पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और 7th नंबर पर आपको आपकी कैटेगरी कौन सी एसटीएससी ओबीसी इनमें से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। 8th ऑप्शन में गाइस आपको जो आपने 10th क्लास की वो कौन से स्टेट से की वो सेलेक्ट करना है और 9th नंबर पर गाइस आपने 10th क्लास कौन से ईयर में की वो सेलेक्ट करना है। एंड 10th ऑप्शन में गाइस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद में सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके पास ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। ठीक है गाइस, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, उसके नीचे आपको अपना मतलब आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप उसको यस कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम मस्त हो, हस्ट पुस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं बॉडी में किसी प्रकार की, तो आपको सिंपली यहाँ पर नो ही करना है। ठीक है, उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज वो 12th नंबर का, ये आप खासकर आप ध्यान रखना। ठीक है गाइज, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, लैंग्वेज स्टडी इन 10th क्लास, क्योंकि अब 10th क्लास में जो गाइज 10th क्लास गाइज सभी स्टेट में अलग अलग बोर्ड रहते हैं और वो उन सभी बोर्ड में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो आपने 10th क्लास कौन सी लैंग्वेज में आपने वो एग्जाम क्लियर किया है, इंग्लिश में किया, हिंदी में किया, या आप किसी अदर स्टेट से गुजराती पंजाबी, तो आपको सिंपली वो सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आपने ये एग्जाम इंग्लिश में क्लियर किया तो आपको सिंपली इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपने ये हिंदी में क्लियर किया तो आपको सिंपली यह हिंदी में क्लिक करना है, अगर आपने एक से ज़्यादा दोनों लैंग्वेज में किया तो आप वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइस जो 13 नंबर का ऑप्शन है वो भी काफी ध्यान देने वाला ऑप्शन है गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर एम्प्लॉय यानी आप कोई गवर्नमेंट कर्मचारी हो, अगर हाँ तो यस, इसके अलावा या फिर आप पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड किसी भी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर आप ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ना ही किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पर नो ही करना है। ठीक है, उसके बाद में 14 नंबर पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, फोटो की साइज गाइस 50 KB होनी चाहिए। ठीक है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपकी सिग्नेचर की साइज है वो भी 20 KB होनी चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 16 नंबर पर आपको ये कैप्चा कोड सबमिट करना है। ठीक है, कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है गाइस प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब ये होगा आपने जो भी डिटेल्स डाली फॉर्म में वो कम्प्लीटली आपके सामने शो हो जाएगी, आप एक बार उसको पूरे अच्छे से चेक कर लेना कि आपने कोई गलती तो नहीं की, सब कुछ ठीक तो भरा है। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलती की तो आप वापस एडिट मोड पर जाके उसमें सब कुछ ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं तो ठीक है, प्रीव्यू प्रीव्यू मोड करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म कंप्लीट शो हो जाएगा, यानी कि आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसके नीचे आपने फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स भरी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई। ठीक है, आप चाहो तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट। ठीक है, अब आपको इस साइट को वापस क्लोज करके वापस अप्लाई ऑनलाइन वाली साइट के ऊपर क्लिक करना होगा और आप जैसे क्लिक करोगे वापस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब हमारा स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया गाइस, अब हम उसके बाद में गाइस हमको आना स्टेज 2 यानी
फीस पेमेंट ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। इसके बाद में गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। गाइस आपको बता देना चाहूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस सिर्फ ओबीसी एंड जनरल वालों को ही करना है, फीमेल कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की फीस सबमिट नहीं करना है। मतलब कि आपको यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन डाल के एसटीएससी कैंडिडेट है तो आप अगर मेक पेमेंट करोगे तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको ये चीज़ छोड़ देना। ये केवल जनरल और ओबीसी वालों के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना, ठीक है। क्योंकि आज आप देख सकते हो नीचे अभी हमारे मैसेज आ गया, फीस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एसटीएससी फीमेल एंड ट्रांस वुमेन पीएच कैंडिडेट, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको बैक ले लेते हैं ब्राउजर को वापस। आप चाहो तो अगर यहाँ से ब्राउजर बैक नहीं आ रहे तो आपको वापस इसी साइट के ऊपर जाना होगा और अब आपको स्टेज थ्री यानी अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है वापस इसी पेज के ऊपर आकर, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज हमें वापस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो और आप अदर स्टेट में भी जाकर ये जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस वैकेंसी में। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइस आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला गया होगा, ठीक है। वो ओटीपी आपको अभी यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद में आपको इस प्रोसेसिंग में आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको नीचे कैप्चा कोड सबमिट करना है। कैप्चा कोड सबमिट करने के बाद में आपको गाइस सक्सेसफुली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यानी फॉर्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि गाइस फॉर्म का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपका नाम आ गया, आपने जो भी भरा, ठीक है। अब थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, आपके घर का जो भी एड्रेस। अगर एक लाइन में है तो आप दो लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड लाइन में आप सिटी में रहते हो या किसी गाँव में रहते हो वो नाम एंटर करना, ठीक है। अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको आपके नियरेस्ट जो भी पंचायत लगती है उस पंचायत का आपको यहाँ पर नाम देना, ठीक है। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम देना, आपके एरिया का पिन कोड देना, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा होगा इस परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आपको ये सेम एड्रेस है आपका, अगर आपका एक ही एड्रेस है सेम, तो आपको सिंपली यहाँ पर सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर क्लिक करना। लेकिन अगर आप अलग अलग एड्रेस बनना चाहते हो तो वो कम्युनिकेशन एड्रेस आप अलग चाहिए और आपका परमानेंट एड्रेस किसी और जगह है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद में गाइस आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स के अंदर लिखा हुआ है सर्किल इन विच 10th क्लास पास, ठीक है। आपने कौन से बोर्ड से 10th क्लास पास किया, ठीक है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से की है। उसके बाद में जैसे आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन राजस्थान अजमेर, उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट रिजल्ट टाइप, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या रहा, मार्क्स के अंदर आता, आपको सिंपली मार्क्स एंटर करना है। उसके बाद में आपके 10th क्लास की मार्कशीट को, 10th क्लास की मार्कशीट में आपके जो भी मार्क्स है, जैसे इंग्लिश में 100 में से कितना है, हिंदी में कितना है, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर लिटरेचर, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हो इसको ब्लैंक। उसके बाद में साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड एडिशनल एग्जाम रहता है गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। इतना सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है वो चूज प्रिफ्रेंस, ठीक है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। प्रिफ्रेंस में आप देख सकते हो नीचे आपकी सारी डिटेल्स आ गए और यहाँ पर लिखा सर्किल अप्लाइंग फॉर, मतलब आपने कहाँ से अप्लाई किया, उस स्टेट का नाम आ गया। अब उसके नीचे गाइस सेलेक्ट डिवीजन अप्लाई फॉर, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस आपने जिस भी स्टेट से सेलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग इसके अंदर उस सिटी का नाम आ जाएगा। तो आपको अब कौन सी सिटी से अप्लाई करना है आप सिंपली उस सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए, बड़े ध्यानपूर्वक सोच समझ कर अप्लाई करना, ठीक है। आप पूरी नोटिफिकेशन इसकी देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन वैसे नीचे लिंक में दे रखी है। आप नोटिफिकेशन में कहाँ पर कितनी पोस्ट है आप वो देखकर इसमें से सिटी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आपके नियरेस्ट जो आपको सूटेबल लगे वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अजमेर, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने अजमेर सेलेक्ट किया आप देख सकते हो, और अगर आप अपने अनुसार जो भी सिटी सेलेक्ट करोगे उसके बाद में उसके बाद में गाइस उन सभी डिवीजन की लिस्ट आ जाएगी। तो मेरे पास अभी यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गए और ये सारे डिवीजन है और मुझे इसके अंदर प्रीफरेंस देनी है, ठीक है। उसके अंदर गाइस अब आपको प्रीफरेंस देनी है कि मतलब आप पहली प्राथमिकता कौन सी जगह पर आप अपने पोस्टिंग अप्लाई करवाना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप चाहते हो तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड एलिजिबल वैकेंसी फॉर दिस सिलेक्शन, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उस पीडीएफ में सबकी लिस्ट दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर भी अपने हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो।
तो गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस कर दिया, ठीक है, जो नियरेस्ट मेरे जो लोकेशन या जो भी विलेज मेरे नियर में है मैंने उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपके आसपास जो भी गांव है अगर उन गांव की लिस्ट इसके अंदर दी हुई है तो आप सबसे पहले उनको प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद में जो गांव दूर है उनको प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे मेरी लिस्ट में 30 गाँव के नाम आए, हो सकता है आपके पास कम या ज़्यादा है, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद गाइज आपको थोड़ा स्क्रॉल करता हुआ नीचे आना, और आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको राइट टिक लगाना, आई है डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद में आपको सिंपली सेवन प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज आप देख सकते हो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म है जो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हमने सबमिट कर दिया फॉर्म भर के, और अब हमारा फॉर्म प्रिंट आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसको पीडीएफ मोड पर ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा फॉर्म है और हमने जो भी पोस्ट प्रेफरेंस किए वो यहाँ पर आ गया सक्सेसफुली। अब आपको सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगी गाइज, या तो आप पीडीएफ में इस फॉर्म को सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर पर कहीं पर भी, ठीक है, या फिर आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो अगर आप ये फॉर्म ई मित्र से भरवा रहे हो तो। आप ये फॉर्म गाइज अगर आपके घर पर कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर से भी ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। तो गाइज आई होप लाइक यू दिस वीडियो। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो गाइज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर भी गाइज इस वीडियो या इस वैकेंसी के रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं गाइज किसी नए वीडियो में किसी नए गवर्नमेंट जॉब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।